हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं चैनल पीपीटी एजुकेशन में। आज आपके लाएंगे नई वीडियो। जैसे कहा, हाल ही में आपकी जो अभी सेमेस्टर की तरफ से अपडेट आ रही थी कि अभी जो बच्चे प्रमोट किए जाएंगे, किस आधार पर प्रमोट किए जाएंगे, तो उसके बारे में रिलेटिव बात करेंगे आज। और कुछ टॉपिक आपको जो दिए गए हैं, आपके जो बच्चों के एडमिशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो किस आधार पर कम की क्लासेस चलेगी, किस आधार पर एडमिशन किए जाएंगे, तो दो टॉपिक के बाद बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप करते हुए। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। अच्छे से कह सकते हैं आप, जितनी भी आपके दोस्तों अपडेट आती है यूनिवर्सिटी साइट पर, ऑफिसियल जो आपकी आती है, उसी यूनिवर्सिटी पर यहाँ पर आकर देख सकते हैं। साइट पर आकर लिंक तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। तो चलते हैं कुछ नोटिस के बारे में कह सकते हैं। जैसे आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बताया जा रहा होगा, यूट्यूब पर आप देख रहे होंगे, और अखबार में आपको न्यूज़ भी आ रही होगी, कटिंग के माध्यम से पता चल रहा होगा कि बच्चों के ज़हर प्रमोट करना है। तो आज एक अपडेट निकल के आ रही है कि बच्चों के ज़हर पर अंक दिए जाएंगे, कि बच्चों को प्रमोट कैसे किया जाएगा। तो कर लेते हैं कि सबको इसमें चीज़ करनी है। तो कुछ आपको अपडेट दी गई है, मैं टॉपिक की बात करेंगे। पहले कर लेते हैं किस आधार पर कभी क्लासेज जो स्टार्ट होगी आपकी, किधर आपको कितने दिन का टाइम दिया जाएगा, कब से आपके सत्र स्टार्ट होने वाले, जो बच्चों की एडमिशन चल रही है। देख सकते हैं यहाँ पर, जो देख सकते हैं ऑफिशियल आपकी ऑफिशियल अनऑफिशियल को नोटिस दिया गया है। यूजी में 1 अक्टूबर कह सकते हैं, यूजी में जबकि आपकी बीए होती है, आपकी बीकॉम होती है, जैसे सेशन होते हैं आपके, और पीजी में एमए एमकॉम जैसे क्लासेस होती हैं, तो 1 नवंबर से लेकर क्लासेस और आपके 1 अक्टूबर से क्लासेस चलेगी। तो ऐसी अपडेट निकल के आ रही है सामने, आप देख सकते हैं यूजी में 1 अक्टूबर से, पीजी में 1 नवंबर से क्लास चलने की संभावना बन रही है। तो पूरा नोटिस पढ़ लेते हैं दोस्तों। ये तो उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 45 दिनों तक का ऑनलाइन पढ़ाई होगी। कह सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाई जो स्टडी आपकी बनाई जा रही है, रिकवरी बनने के लिए आपका प्लान तैयार हो गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। जो ऑनलाइन पढ़ाई आपकी होगी, 4 अगस्त से द्वितीय तृतीय और पीजी में फाइनल सेमेस्टर की ऑनलाइन पढ़ाई होगी। और यूजी सेमेस्टर कह सकते हैं आप, यूजी सेमेस्टर जो चल रहे हैं आपके, जो स्टार्ट होने वाले क्लास कंटेंट बन चुका है, आपकी ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। और यूजी पर प्रथम वर्ष और अक्टूबर में, तो पीजी वर्ग के प्रथम क्लासेस नवंबर से शुरू की जाएगी होगी। 13 जुलाई से कैंपस में सभी शिक्षकों अपने अपने पाठ्यक्रम संबंधी ई कंटेंट चेंज में वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। यूनिवर्सिटी साइट पर कह सकते हैं आप, जो कह सकते हैं यूनिवर्सिटी आपकी जो कंटेंट तैयार हो रहे हैं, वो 13 जुलाई को अपने इसके माध्यम से आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको साइट पर मिल जाएगी। सब कह सकते हैं अपनी स्टडी ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। और उच्च शिक्षण को देखते हुए विद्यालयों को यह निर्देश भी दिया गया कि सभी विविध कॉलेजों में 13 जुलाई को ई कंटेंट अपलोड पर कर दिए जाएँ। तो ऐसे मानने में आ रहा है कि जो आपकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो अब जो डाटा का अपलोड होने वाला है, क्लासेस चलने वाली है, वो आपकी ऑनलाइन क्लासेस ही अपडेट रहेगी एवरीडे। ये तो दोस्तों कंटेंट बात, तो किस आपकी क्लास कैसे चलनी है, कब तक चलनी है, आपकी कंटेंट आपके यहाँ दिया गया है। तो परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। परीक्षा की जो रद्द की जाएगी, ऐसे भी मानने में आ रहा था कि जब भी कोरोना वायरस चलते हुए, लॉकडाउन के चलते हुए भी, अब जैसे कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन आपका 2 हफ्ते में 4 दिन खुलेगा और 2 दिन आपका बंद रहेगा, और ऐसी स्थिति में सामान्य रखते हुए भी शनिवार इतवार बंद रहेगा कि परीक्षा किस आधार पर कराई जाए, तो ऐसे में परीक्षा नहीं कराने का संभव बन रहा था। तो यूजीसी कह सकते हैं अब, यूजीसी ने कह दिया है कि अब जो एग्ज़ाम होंगे, फाइनल के एग्ज़ाम कंफर्म होंगे, 4 अगस्त से यूजी और द्वितीय परीक्षा फाइनल की क्लासेस चलेगी। चलने के अनुसार जो एग्ज़ाम आपके होंगे सेमेस्टर वाइज, जो कंटेंट तैयार होगा, वो आपको तैयार होने वाला है कि परीक्षा किस आधार पर आपको कराई जानी है। हाँ, देख लेते हैं जो भी 45 जिलों का कंटेंट जो आपको दिया गया है यहाँ पर क्लासेस चलाने का आपको मिल जाता है। पूरी प्लान आपको तैयार कर दिया गया है, लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट पेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलते हैं उस नोटिस में जो आपको एग्जाम के बारे में जो बताया गया है, किस तरह आपको असाइनमेंट तैयार करने हैं, किस आधार आपको पास किया जाए, किस तरह आपको अंक मिलने वाले हैं, थोड़ी सी आपको जानकारी देख लेते हैं। 13 जुलाई से कंटेंट तैयार किया जाना है आपका, और 4 अगस्त आपको छोड़कर नहीं, सभी का नया क्लास चालू हो जाएगी। प्रथम वर्ष में अंतिम वर्ष तक 15 सितंबर तक होगा, और यूजी प्रथम वर्ष की कक्षाओं में 1 अक्टूबर से शुरू होगा कार्यकाल। तो देख सकते हैं सभी यहाँ पर जो मिस्टर्म या पे बैक पेपर करने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर होगी। जो आपके आगे जाके जो फॉर्म भरे जाएंगे बैक के, जो बच्चों के बैक आएगी एग्जाम फॉर्म में, तो अपनी बैक भी डाल सकते हैं, अपने एग्जाम भी कराए जाएंगे। तो पूरा कंटेंट आप देख सकते हैं, वो तैयार हो चुका है कि 2021 तक का कंटेंट यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब चलते हैं उस पे जो आपका एग्जाम फॉर्म के वाइब्रेट टीम में दिया गया नोटिस पूरा। तो विश्वविद्यालयों में कह सकते हैं, विश्वविद्यालयों में मिड टर्म सेशनल परीक्षा, तो किस आधार बच्चों को हम दिए जाएंगे, पूरी क्रिया पढ़ लेते हैं। उस शिक्षा विभाग ने जारी किया 2021 का नया कलेक्शन,
जो कह सकते हैं वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के, जो आपकी वार्षिक परीक्षा होगी 1 साल की जो परीक्षा होगी, सापेक्ष 50% अंकों उनके पर निर्धारित दिए जाएंगे। तो दोस्तों कह सकते हैं जो आपके जो अंक दिए जाएंगे वो 50% अंक के आधार पर ही दिए जाएंगे। तो दोस्तों क्लियर नहीं आ रहा, मैं पढ़ के बता देता हूँ पूरी जो रणनीति बनी हुई है। ये भी पूर्णांक के 50% होने पर सेशनल मीडियम की परीक्षा के अंक पर होंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैं कुछ जूम करके दिखाता हूँ। जो क्लियर में दिया गया है आपके 50% जो अंक देंगे मिड परीक्षा, सेशनल परीक्षा, टर्मिनल परीक्षा, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट के अंकों पर विवरण शुरू होगा। तो दोस्तों जो आपकी क्लासेस जो आपके नंबर दिए जाएंगे, आपके असाइनमेंट दिए जाएंगे, सेशनल एग्जाम परीक्षा के एग्जाम के आपको नंबर दिए जाएंगे 50% के अधिकतम आपको नंबर दिए जाएंगे। मिड परीक्षा जो सेशनल परीक्षा, ट्रिब्यूनल, असाइनमेंट के प्रोजेक्ट के अनुसार ही संबंधित विद्यार्थियों को कुल अंक 25 से 50% आपको मिलने वाले हैं। इसके सेमेस्टर वाइज हो या आपका वार्षिक परीक्षा हो, तो उन दोनों को जोड़कर सभी को जो अंक दिए जाएंगे सेमेस्टर वाइज परीक्षा के आधार पर ही नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ देखना जो मेन पॉइंट आपको दिया गया, यहाँ पर भविष्य में कोरोना के संकट जैसी स्थिति को रखने के लिए कॉलेजों ने और डी कॉलेजों ने मिड परीक्षा, सेशनल परीक्षा, ट्रिब्यूनल परीक्षा, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट का व्यवस्था लागू की जाएगी। तो प्रत्येक वर्ष में जो वार्षिक परीक्षा पूर्णांक जब 50 अंक आपको दिए जाएंगे वार्षिक हो या सेमेस्टर हो, तो आयोजित होने के लिए इन अंकों को परिणाम जारी किया जाएगा। तो छोटे अक्षर में आपको दोस्तों बता देता हूँ मैं, जो आपके अंक जारी होंगे वो आपके असाइनमेंट, प्रोजेक्ट ये सब बनाएंगे, कॉलेज में जमा करेंगे, मिडडे परीक्षा जिसके अनुसार ही आपको नंबर दिए जाएंगे। ये बहुत अच्छी खबर आई है दोस्तों कि आपके जो एग्जामिनेट होंगे आपको जो नंबर मिलने वाले हैं, आपको असाइनमेंट के ऊपर ही आपको नंबर दिए जाएंगे। 50% आपके नंबर मिल सकते हैं अगर आपको प्रोजेक्ट यार से अच्छे से होता है तो। और दोस्तों अभी क्लियर नहीं हुआ है कि अभी ये जो प्रमोट होना है कौन कौन बच्चे होंगे, क्लासेस में कौन होंगे, किस बच्चों के एग्जाम कराए जाएंगे, तो ऐसा क्लियर नहीं हो रहा है। जब क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस बनाने में बता दिया गया है तो 4 तारीख से आपकी क्लासेस जो होगी, 4 अगस्त से आपकी क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी। और जो आपकी क्लासेज ऑनलाइन वैसे चलेगी आपकी 1 अक्टूबर से सस्ते चालू हो जाएगा। और जो अन्य होंगे UGPG कोर्स स्टार्ट होंगे, वो आपके भी ऑनलाइन क्लासेस में मिल जाएंगे। तो अर्धवार्षिक परीक्षाओं की आप देख सकते हैं पूरी जानकारी दी गई है इस माध्यम से, बताया गया कि आपकी जो प्रमोट होने का फैसला भी क्लियर नहीं हो पा रहा है किस बच्चों को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, फर्स्ट ईयर वालों को, सेकेंड ईयर वालों। तो फाइनल का एग्जाम तो कन्फर्म है दोस्तों कि UGC ने कह दिया कि जब एग्ज़ाम जो होने हैं फाइनल के एग्ज़ाम जरूर होने हैं, तो उसके आधार पर ही आपको एग्ज़ाम कराए जाएंगे फाइनल ईयर वालों के। तो फर्स्ट ईयर वाले क्लियर नहीं है अभी कि बच्चों को किस तरह ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, किस आधार पर किया जाएगा। इतना कह सकते हैं जो प्रमोट जो बच्चे होंगे तो आपको असाइनमेंट के आधार पर ही बच्चों को पास किया जा सकता है, जो असाइनमेंट आपको मिले जाएंगे उसके आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे, उसके आधार पर बच्चे पास हो सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको जानकारी जो दी गई है कह सकते हैं, जो सेक्शन कैलेंडर आपको तैयार किया गया है यहाँ पर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट पेज पर भी आकर पढ़ सकते हैं जितनी आपको जानकारी दी गई है। कुछ पॉइंट आपको जो क्लियर हो तो डाउटफुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी इस माध्यम से। और मैं दी गई जानकारी दोस्तों ज़्यादा पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।